अगर आप 2023 में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप, बड़ा बिजनेस, या अपने बहुत बड़े आइडिया को 2023 में एक बिजनेस में आप अगर आप बदलना चाहते हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, मार्केटिंग करने के प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं, मार्केटिंग करने के तरीके बदल गए हैं, सेल्स करने की स्ट्रेटेजी बदल चुकी है, मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिजनेस कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बदल रहे हैं, प्लेटफॉर्म अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस कॉम्पिटिशन के टाइम में हमें चाहिए कि हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए या एक ऐसे बिजनेस के ऊपर काम करें जो लोगों की सही में जरूरत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहां पर मिलने वाले हैं, जिससे कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए जानते हैं 2023 में किस तरह के बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं अगले 2 या 3 साल के अंदर अंदर। 25 साल ये बिजनेस बहुत तेजी से पॉपुलर होंगे, जिसमें मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आज की वीडियो में एक ही बिजनेस का एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर ये आपने समझ लिया तो शायद आपका विजन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह का बिजनेस प्लान करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला लिक्विड कौन सा है? आपके दिमाग में आ रहा होगा पानी, थम्सअप, कोका कोला, पेप्सी या अदर सॉफ्ट ड्रिंक। ये सारे जवाब ना है, क्योंकि पानी के बाद पिए जाने वाला सबसे ज्यादा दूसरा लिक्विड है चाय। देखिए, कोई भी पर्सन कहीं से आ रहा है या जा रहा है, उसको थोड़ी सी थकान महसूस होगी, उसका मन करेगा वो चाय पिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कॉफी, लेकिन कॉफी भी दूसरे नंबर पर नहीं आता, पानी के बाद आता है चाय। अगर आप अभी कुछ ही साल के अगर आंकड़े उठा करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस हिट किए हैं वो चाय के, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लॉप होने वाले बिजनेस भी चाय के हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा कि उन चीजों को आप ना करें अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है। या तो आप दूसरों की गलतियों से समझ लो और सीख जाओ, या फिर खुद गलतियां करो और सीखते रहो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बेहतर है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख करके आगे बढ़ जाना। देखिए, अगर आप सिर्फ चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपका सिर्फ एक स्टॉल बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ चाय में उतनी आमदनी नहीं होती है जितनी आप सोच रहे हैं। चाय में अगर आप मानकर चलते हैं, अगर आप 10 रुपए की चाय बेचते हैं तो उसमें लगभग आपका 5 से 6 रुपए का खर्च आ जाता है, बाकी आपकी कॉस्ट लगती है आपका पेपर कप में, आपका कुल्हड़ में जो मिट्टी का होता है उसमें कुल्हड़ में कॉस्ट लग जाती है, गैस होती है, सारी चीज़ें होती हैं, चीनी है, चाय पत्ती है, अदरक है और मसाले हैं, टी मसाले, तो इनमें भी काफ़ी सारी कॉस्ट आती है। अगर आप देखें एक मार्जिन अगर निकालें तो 2 या 2.5 रुपये आपको पर चाय का आपको प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, बात को समझना, चाय का बिजनेस दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो ब्रेकफास्ट में आती है बहुत सारी चीज। आप चाय के साथ बेचते हैं कुछ स्नैक्स होते हैं, जैसे बिस्किट होता है, नमकीन होता है, ब्रेड होता है, सैंडविच होता है, और आपका दूसरी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यू नो, जो आप लोग खुद पसंद करते हैं चाय के साथ खाना। हो सकता है चाय के साथ बहुत सारे लोग ऑमलेट खाते हैं, हो सकता है चाय के साथ आप लोग ब्रेड को सेक कर खाते हो, ब्रेड पे बटर लगा करके खाते हो, टोस्ट के ऊपर बटर लगा करके खाते हो, टोस्ट को आप सेक कर खाते हो। अगर आप ऐसे चाय के साथ अगर 10 से 15 आइटम अगर आप रख लेते हैं तो आपका जो एक चाय का जो मार्जिन है वो लगभग 5 से 5.5 रुपये हो जाता है, क्योंकि आप चाय के साथ अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस का नाम ऐसा रखिए जो लोगों को एक बार सुनकर याद हो जाए और वो उसके दीवाने बन जाए। देखिए, ब्रेकफास्ट बिजनेस जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है, लेकिन कैसे? देखिए, अगर आप कुछ आंकड़े उठाकर अगर देखें तो हर एक तीसरा आदमी अपने घर से बाहर रहकर बिजनेस, नौकरी या स्टडी करता है, जिसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने लिए ब्रेकफास्ट को तैयार करे। वो सोचता है कि ऑफिस जाते हुए रास्ते में कर लूंगा, या ऑफिस के नीचे मेरी शॉप है एक चाय की, जहां पर बेहतरीन वो टोस्ट बना करके देता है, बहुत अच्छे बेज सैंडविच बना करके देता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अब जो वहां पर ब्रेकफास्ट शॉप है
वो केवल वहीं पर नाश्ता करेगा। हो सकता है वीक में वो एवरीडे ना करे, संडे को छोड़कर बाकी सारे दिन करे, या वीक में सिर्फ 3 दिन करे, या उसका टाइम स्लॉट कुछ ऐसा है वो दोपहर में करे, लेकिन वो करने जरूर आएगा, ये बात तो तय है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है भूख की। इंसान को अगर भूख लगेगी तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर खाएगा, लेकिन इंसान ऐसी चीजें खाना पसंद करता है जो उसको जल्दी मिल जाए और फास्ट मिल जाए, क्योंकि खाना बनने में समय लगता है। लेकिन आजकल की इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में, इस तेजी से बढ़ती दुनिया में, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो आधा घंटा वेट करें। इसलिए चाय का जो लगभग सर्व टाइम है वो 2 से 3 मिनट होता है, और उसके साथ में आप देते हैं रेडीमेड स्नैक्स, जहां पर आपका बिजनेस लगभग 10-15% ग्रोथ कर जाता है। चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको मालूम है चाय की जो मार्केट वैल्यू है 2022 तक वो कितनी है? क्या आपको मालूम है इसका आंसर? मैं आपको बता देता हूं, लगभग $687 मिलियन है। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीस में, कितना होता है? और इसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2025 तक, पता है कितना है? वो है $18.42 बिलियन, जो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप अपने स्टार्टअप को अगर सही से अगर ग्रोथ देते हैं, और उसके अंदर अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं अपने प्रमोशन के लिए, तो आपका बिजनेस इतनी तेजी से हिट करता है कि आप 1 साल के अंदर ही 1 से ज्यादा ब्रांचेस आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ लाइव एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं ब्रेकफास्ट बिजनेस की। मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, कुछ ही साल पहले एक वे स्टार्टअप में MBA चाय वाला का नाम किसने नहीं सुना, सभी ने सुना होगा। एक लड़का जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अपने घर से बाहर जाता है, लेकिन उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी मन नहीं लगता है, तब वो लड़का ट्रेवलिंग करने के लिए निकल जाता है। वो भारत घूमता है, बहुत सारी नई चीजें देखता है, तब आकर के एक सिंपल से चाय का ठेला स्टार्ट कर देता है। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद उसको समझ में आया कि लोगों की नीड क्या है, वो एक्चुअली चाहते क्या है। वो चाहते हैं एक अच्छा ब्रेकफास्ट जो उनको समय पर मिले, बहुत अच्छा टेस्ट, शहर के हिसाब से टेस्ट और मोहल्ले के हिसाब से स्वाद बदल जाते हैं दोस्तों। लोगों की राय तो एक घर से दूसरे घर में बदल जाती है, तो स्वाद कैसे नहीं बदलेगा। तो उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट करा कि हर शहर के अंदर हमें किस तरह का टेस्ट चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने अपनी रेसिपी को चेंज किया, और आज देख लीजिए कितने सारे आउटलेट हैं MBA चाय वाला के। अगर आप सही से अपने मार्केट को अगर प्लान करते हैं, अपने कस्टमर की नीड को अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप कस्टमर की नीड को समझ करके अगर काम करते हैं, और आपको ये चीज मालूम चल जाती है कि मेरे कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, अगर आप उसको वो चीज दे देंगे, तो आपका बिजनेस यकीन मानिए इतनी तेजी से ग्राफ ऊपर जाएगा कि आप अपने बिजनेस में नोट गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, ये सोच करके कि पैसा मेरे पास आ कहां से रहा। दूसरा है चाय सुट्टा बार, नाम आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कुछ स्टार्टअप हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया, लेकिन आज ये $1 मिलियन की कंपनी बन चुकी हैं। यकीन मानिए अगर आप किसी भी बिजनेस को या किसी भी जॉब को अगर आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, अगर पूरे जी जान लगा करके अगर आप करेंगे, तो आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट का बिजनेस शुरू कीजिए, आप चाहे जो बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन सबसे पहली चीज तो आपको खुद को बिजनेस पसंद होना चाहिए, आपको वो काम करने में मजा आना चाहिए जिसको आप बिजनेस में चेंज कर रहे हैं, जहां से आप पैसे को कमाने वाले हैं। अगर आप बिजनेस को अपना 100% देते हैं तो बिजनेस आपको अपना 110% जरूर रिटर्न करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने बिजनेस को एक लेवल पर ले जाएंगे। किसी भी बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास 4 से 5 साल का अगर टाइम है, और आप अगर पेशेंस रख सकते हैं, अगर धैर्य रख सकते हैं, तो ही बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप बिजनेस स्टार्ट मत करना। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ करके आप जॉब शुरू कर देना। बिजनेस समय और मेहनत और डेडिकेशन, ये सब कुछ मांगता है। बिजनेस मांगता है आपका त्याग, आपका पूरा समर्पण। अगर आप बिजनेस के लिए अपना संपूर्ण समर्पण अगर कर सकते हैं, तो बिजनेस आपको इतना कमा कर देगा कि आपकी पीढ़ियां खा नहीं पाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनके दिमाग में
कुछ खुरापाती बिजनेस आइडियाज चलते रहते हैं, जिन लोगों को आप पागल बोलते हैं, जिन लोगों को आप ये कहते हैं नहीं यार ये बिजनेस कहाँ चलेगा, ऐसे थोड़े बिजनेस होते हैं, बिना पैसे के थोड़े बिजनेस होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, बिजनेस सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बड़ा होता है बड़े आइडिया से, बड़ी सोच से। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन की सोच चाहिए कि आपको बिजनेस करना है। अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सोच को, अपने दिमाग को बिजनेसमैन की तरह डेवलप कीजिए। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए वाले इंसान की तरह आप सोचना शुरू कीजिए। अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो उस 10 लाख रुपए वाले इंसान की तरह सोचना शुरू कीजिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए अगर आप कमाना चाहते हैं तो उस 1 करोड़ रुपए वाले इंसान की तरह सोचना शुरू कीजिए। जिस दिन आपने अपनी ये सोच डेवलप कर ली, उस दिन आप अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आपको आगे मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को यहाँ अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।